दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर। अपनी परछाई भी देखने के लिए धूप में जाना पड़ता है। तो लगातार मेहनत करते रहिए। मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से। आइए, कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 यानी वीडियो नंबर 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर एक हम वीडियो फोर में एक पहला क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे। तब तक कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो को वहीं रोकना पड़ा। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आकृति एक आकृति दी गई है PQR 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और आकृति में tan P माइनस cot R इक्वल टू ?? इसका मान ज्ञात करना है और ये कोण दिया गया है 90 डिग्री। तो आपको पहले वीडियो में हम दिखा चुके हैं, ये जब ये समकोण त्रिभुज है, जैसे ही समकोण त्रिभुज पर विचार किया तुरंत माइंड में आ गया पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। इसका मान कितना है? PR का 13 का वर्ग। PQ का मान कितना है? 12 का वर्ग। ये क्या है? QR आपको ज्ञात करना है। 13 का वर्ग जानते हैं आप, 12 का वर्ग प्लस QR वर्ग ज्ञात करना है। 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग कितना? 25 बराबर QR का वर्ग। QR बराबर अंडर रूट के अंदर 25, QR का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई आपको 5 सेंटीमीटर। और वैल्यू प्राप्त होने के बाद अब तो जिसका भी मान चाहिए उसका आपको आसानी से मिल सकता है tan P माइनस cot R का मान पूछा जा रहा है। tan P मतलब कोण, ये इसके लिए लंब ये काम करेगा, ये लंब और tan बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार यानी 5/12 माइनस cot R, R के लिए ये काम करेगा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार यही 5/12 कट जाएंगे आपस में, आंसर क्या आ गया? 0। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्या है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन दिया है, एक तो तरीका आपको आगे पढ़ाएंगे आप इससे जब सीख जाएंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। साइन और कॉस में एक सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 - sin² a। साइन की वैल्यू रख दी, कॉस ए का मान मिल गया। जब कॉस ए का मान मिल गया तो टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस। साइन और कॉस का मान रखा, कट गए, टेन का भी मान प्राप्त हो गया। इस तरीके से मान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? जिस तरीके से आप चल रहे हैं साइन के हिसाब से एक हमने ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, कोण ये है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब 3, कर्ण कितना 4। आधार पहले निकालिए यानी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग
चार का वर्ग, ए बी का मान ज्ञात करना है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का मान कितना है तीन का वर्ग, चार का वर्ग 16, ए बी का वर्ग प्लस 9, 16 9 इधर आ गए बराबर में ए बी का वर्ग 7 बराबर ए बी का वर्ग, और ए बी का मान कितना आया अंडर रूट 7, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। अब तो मान निकाल ही सकते हो, कॉस ए का मान पूछा है, कॉस बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार क्या होगा ये कर्ण, ये यानी अंडर रूट 7 बटे 4 आंसर। और मान किसका चाहिए टेन ए का, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है और ये क्या है आधार, लंब बटे आधार यानी 3 बटे अंडर रूट 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेहनत जरूरी है भाई, मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर में 8 तो साइन ए तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन किया ही था क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरीके से यहाँ वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, cot a बराबर क्या आया 8/15, और 8/15 cot के हिसाब से चित्र बनाया, चित्र में नाम आप चाहे कोई भी डाल सकते हैं, पी क्यू आर डाल दिया, ये एंगल उसने दिया कितना ए, कॉट बराबर होता क्या आधार बटे में लंब, कर्ण प्राप्त कीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, पी आर का वर्ग ज्ञात करना, पी क्यू का मतलब 8 का वर्ग, पी आर का क्यू आर का मतलब 15 का वर्ग, 8 का 64, 15 का 225, टोटल हो गए 289, पी आर का मान अंडर रूट के अंदर 289 यानी 17, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 17। जैसे ही वैल्यू ये 17 प्राप्त हुई, अब आप बाकी मान ज्ञात कर सकते हैं, साइन बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17 आंसर। सेक ए का मान पूछा जा रहा है, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का परकलन कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात समझ गए होंगे आप, साइन थीटा भी आपको ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है, कॉट थीटा ज्ञात करना है, और कोसेक थीटा ज्ञात करना है, एक आपको दिया गया, जो दिया गया है उसके अनुसार आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, ए बी सी नाम डाल दिया, ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, ये एंगल कितना दिया है थीटा, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, अब सेक के अनुसार देखें तो कर्ण बटे आधार, कर्ण 13 आधार कितना 12, ये हमें निकालना है, तो 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस के बी सी का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 12 144 प्लस का बी सी वर्ग, 169 माइनस के 144 बराबर बी सी वर्ग, कितना बचा 25 बराबर बी सी वर्ग, बी सी का मान कितना आ गया 5, ये 5 आ गया। अब जो भी आपको चाहिए क्रमबद्ध तरीके से निकालते रहिए, लाल बटे कक्का का कुछ सपोर्ट आप ले सकते हैं, लंब बटे कर्ण यानी उत्तर आ गया 5/13, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12/13, टेन थीटा बराबर, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी 5/12, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब यानी 12/5, सेक तो दिया ही है कोसेक और लिख लीजिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, सभी आंसर आपको प्राप्त हो गए। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चनों की को आप करके देखिए, अगर कोई
प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 8.2 लेकर अगले वीडियो नंबर 6 में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हम आपसे कहेंगे, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।